हाय फ्रेंड, मेरा नाम है विनय और आप सभी देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल डिजिटल उन्हें। दोस्तों, अगर आप टूल वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज हम आपके लिए एक कमाल का टूल लेकर आए हैं। जिस पर अगर मैं बात करता हूँ कंपटीशन की, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं आपको विथ प्रूफ यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, अबाउट अस पेज जनरेटर टूल को जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पर देख सकते हैं पाँचवें या छठे नंबर पर आपको अबाउट अस पेज जनरेटर टूल जो कि bloggerspot.com पर बना हुआ है वो रैंक करता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं जब ब्लॉगर स्पॉट जैसी वेबसाइट भी यहाँ पर रैंक कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 में हेल्प करके हैं और बाकी दो तीन ब्लॉग्स हैं जो कि जिन पर यानी कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जो कि एग्जैक्ट डोमेन नेम के साथ है, या फिर आपकी ऐसी वेबसाइट है जिस पर आपको अच्छा SEO का स्किल है, या फिर DAP अगर आपकी वेबसाइट का काफ़ी अच्छा है, तो ईजिली आप फर्स्ट पेज पर रैंक कर पाएंगे और फर्स्ट रैंक पर भी यानी पोजीशन पे भी रैंक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अबाउट अस पेज को जनरेट करते हैं। मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल ही ले चलता हूं। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे वेबसाइट है दीपावली SEO टिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के रूप में इनकी वेबसाइट लेता हूं और बताता हूं कि कैसे इन्होंने अपनी वेबसाइट को ChatGPT के थ्रू बनाया था। तो इसके लिए आपको सिंपली ChatGPT की टूल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इस पर अकाउंट नहीं बनाया रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको HTML का पूरा कोड प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप अपने किसी भी पेज पर उसको लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको ChatGPT पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या चीज़ें आपको करनी। तो ChatGPT पे जाना है और आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले आपको प्रॉम्प्ट पढ़ कर दिखा देता हूँ कि क्रिएट अबाउट अस पेज जनरेटर टूल बाई यूजिंग HTML, CSS, JavaScript। और यहाँ पे मैंने इसके बाद मेंशन कर रखा है कि देयर आर 3 बॉक्सेस गिवन इन दिस टूल। यानी कि जैसे इस वेबसाइट में 3 बॉक्सेस दे रखे थे, वेबसाइट नेम, वेबसाइट टाइप, वेबसाइट स्पेशलिटी, वैसे आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि देयर आर 3 बॉक्सेस गिवन इन दिस टूल। फर्स्ट है वेबसाइट नेम, सेकेंड है वेबसाइट टाइप, एंड थर्ड है वेबसाइट स्पेशलिटी। इसके बाद देखा है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू आर डाटा इन विच यू हैव टू फिट द डेटा ऑफ ऑल बॉक्सेस। यानी कि मैंने एक यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है कि इसमें आपको फॉर्मेट दे रखा है और उस फॉर्मेट में ये जो तीनों मैंने बॉक्सेस दे रखे हैं उसके अंदर जो भी मैं डेटा भरूंगा, जैसे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख दूंगा जानकारी insight.in, तो ऑटोमेटिक उस डेटा के साथ फिल हो जाएगी। किस फील्ड से रिलेटेड वो वेबसाइट, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहला एक यानी कि पहले से फॉर्मेट बनाकर दे रखा है। तो आप इस तरह के कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली करना क्या है, ChatGPT को मेरे को यहाँ पर ये एक प्रॉम्प्ट देने के बाद आगे की ओर प्रोसीड करना होगा। जैसे मैं प्रोसीड करूँगा तो कुछ ही देर में मेरे पास यहाँ पर HTML के रूप में एक कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि वो बहु कुछ इसी टाइप्स के, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जनरेट होता है, जैसे वैसे ही हुबहु अबाउट अस पेज यहाँ पर भी जनरेट हो जाएगा। मैं आपको सिंपली ये सारा चीज़ें लाइव करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है और यहाँ पे प्रोसीजर हमारा धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो ChatGPT है पूरा का पूरा यहाँ पर कोड प्रोवाइड कर रहा है। मेरे को 1% भी यहाँ पर अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ChatGPT ने मेरे को कोड प्रोवाइड कर दिया। मेरे को सिंपली इसे करना है कि इसे कोड को कॉपी करना है और एक वेबसाइट है यहाँ पर देख सकते हैं रियल टाइम HTML एडिटर, सिंपली मेरे को इस पर आना है और इस कोड को आके यहाँ पर रन करके देखना है कि जो हमें कोड प्रोवाइड किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अबाउट अस पेज जनरेटर टूल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये SEO पवन द्वारा जो टूल बनाया गया था लगभग यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पर रन करके देख लेता हूँ कि हमारा जो टूल है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो लिख देता हूँ digitalvinay.com। यहाँ पर मैंने वेबसाइट का टाइप कैसा है कि टेक रिलेटेड है, तो मैंने टेक रिलेटेड डाल दिया। और यहाँ पे मैंने किस फील्ड से रिलेटेड है, तो यानी कि मैंने टेक न्यूज डाल दिया जैसे। और इतना डालने के बाद मैंने जनरेट अबाउट अस पे क्लिक किया। जैसे मैंने जनरेट अबाउट अस पे क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि अबाउट अस में मेरे पास आ गया कि अबाउट अस digitalvinay.com, digitalvinay.com, digitalvinay इज अ प्रोफेशनल टेक रिलेटेड प्लेटफॉर्म, हियर वी विल ओनली प्रोवाइड यू। यहाँ पे सब कुछ देखिए, जैसे कि यहाँ पर इस टूल को यूज़ करने पे सारा फंक्शनलिटी होती थी सेम एज इट इज़, यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें हो रही। तो आपको सिंपली ये सारी चीज़ें पता चल गई कि कैसे हम ChatGPT को यूज़ कर अबाउट अस पेज को जनरेट कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको अगर ये पूरा का पूरा यानी कि HTML कोड चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके कॉपी करके ईजिली अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं।
और चाहे तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।